गाइज़ हम कर रहे हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.2 का क्लास 11। अगर आप 10th और पीछे के वीडियोस देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक देख करके आगे बढ़ जाइए। और अब इस क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो सबसे पहले आपको पहले क्वेश्चन समझ लें कि कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन एक्सपेंशन ऑफ दिस, कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन एक्सपेंशन ऑफ दिस का डबल है। मतलब वन दो दो, इसमें देखिए ध्यान से देखिए, आपको सबसे पहले जनरल टर्म लिख दूं, ए प्लस बी टू द पावर एन, इसका जनरल टर्म है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। अब आपके पास जो लिखा हुआ है उसके दो पार्ट कर दिए यहाँ पर, देखिए पहला कर दिया है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n और दूसरा कर दिया यहाँ पर 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1। सबसे पहले आप इसका जनरल टर्म लिखें फिर उसका लिख दें, जनरल टर्म टी आर प्लस 1 क्या होगा, इसका जनरल टर्म 2n सी आर 1 टू द पावर 2n माइनस आर एक्स टू द पावर आर, इसका जनरल टर्म होगा 2n माइनस 1 सी आर 1 टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस आर एक्स टू द पावर आर। आप समझ गए होंगे ये क्यों, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू ये है और यहाँ पर n की वैल्यू, आप n की वैल्यू 2n है, तो इस तरह से इसमें हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब हमें किसका कोफिशियंट चाहिए था, तो ध्यान से देखें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2n सी आर एक्स टू द पावर आर। इधर देखिए आप, ये लिखा है आपके पास 2n माइनस 1 सी आर और x टू द पावर r, 1 की कुछ भी पावर है तो ये 1 होगा, 1 की कुछ भी पावर है तो ये 1 होगा। अब इसमें आप देखिए कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर n, इसमें x टू द पावर n का कोफिशियंट क्या है, तो ये x टू द पावर r का कोफिशियंट है 2n सी आर, तो हमें x टू द पावर n का निकालना है, तो ये हो जाएगा 2n सी n। इसमें कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर r का निकालना है, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 सी एन, यहाँ r की जगह n आ जाएगा, ये आ गया कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर n, सॉरी, और ये भी कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर n। अब हमें क्या प्रूव करना है कि कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर n इन n इन दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस, तो वी हैव टू प्रूव नाउ, we have to prove 2n cn is equal to twice of 2n minus 1 cm, ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल आसान सा है, इसीलिए मैंने दो कॉलम बना दिए, दो कॉलम बनाने से आपका कंसेप्ट और सॉलिड हो गया होगा। तो 2n cn, आप एक काम करें लेफ्ट हैंड साइड को ओपन कर लें, 2n cn को ओपन कर लेंगे, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, आपको ncr का फॉर्मूला क्लियर होगा, नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, एन सी आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को भी आप चाहते हैं तो यहाँ ले लें 2 इंटू, इसको भी ओपन कर दें इसी फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 1 माइनस n इंटू n फैक्टोरियल। अब आप देखिए जी इसमें क्या क्या सेम है, इसमें ये और ये कोई चेंज नहीं है, तो डिस्टर्ब मत करें, इसको कैलकुलेट कर लें, ये हो गया आपका 2n फैक्टोरियल 2n माइनस n n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, इसे देखिए आप 2 टाइम्स 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल n। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, किसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या करना है हमें, इसको ओपन करते हैं 2n फैक्टोरियल को, कैसा ओपन करते हैं 2n
और एक और 2n-1 कर देते हैं, नीचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2n-1 लिखा है, रोक दिया हमने यहाँ पर। इसको भी ओपन करिए, n n-1। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है n फैक्टोरियल n-1, तो वहीं तक जाइए। इज और इन टू में क्या लिखा है? n फैक्टोरियल। ये कौन है? ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये n से n कैंसिल हो गया। अब देखो, आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड देखो, सेम दिख रही है आपको। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। देखिए, सोचने में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन करने में कितना आसान है। दो कॉलम बनाइए, जैसे मैंने बताया वैसे बढ़िए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक बात पहुंचा दीजिए, और आगे कोई क्वेश्चन देखने लिंक बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के लिंक क्लिक करें, आगे बढ़ जाएं। पीछे के देखना है, अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीछे के भी क्वेश्चंस की लिंक दी है। तो मेरी बेस्ट विशेस हैं, ऑल द बेस्ट।